अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बुटीक स्टाइल की कमीज फ्रॉक की कटिंग का तरीका बताऊंगी। इसको हमने ये हमारे पास रेडीमेड है, हमने इसको कैसे खुद से स्टिच करना और इसके नीचे स्लिप लगानी है। ये देखें, चलते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें फ्रॉक है, ये हमारे पास रेडीमेड फ्रॉक है। हमने इसके नीचे स्लीप लगानी है और स्लीप हमने इसको जो है ना अलग अलग से, हमारे पास फ्रंट है, हमने फ्रंट और बैक को अलग से कर लिया। ये फ्रंट है हमारे पास, ये इसकी, ये देखिए बैक साइड है, ये देखिए ये इसकी बैक साइड है हमारे पास, ये इसकी बैक साइड है और साथ में ये इसके बाजू है, ये इसके बाजू है। फ्रंट हमारे पास बहुत काम वाली है और बैक पे इसके कुछ भी नहीं है। बैक पे हम इसके लेस से इसको बराबर सेटिंग करेंगे। ये देखें, इतना हम पैच लगाएंगे जो इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये देखें, बैक पे हम ऐसे करके इसको सेट करेंगे। ये हमारे पास इसकी बैक है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम इसको बनाएंगे। हमारे पास ये देखें लेस है, हम इसको यहाँ पे इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इसका पल्लू आगे वाला और पीछे वाला बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। एक तो थोड़ा सा ये भारीपन में आ जाएगा पीछे वाला, क्योंकि इस पे ये बिल्कुल नेट है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और इसी तरह यही चीज हम जो है, ये देखें बाजों पे भी हम ऐसे ही इसको ऐड करेंगे। बाजों के फ्रंट पे भी हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। ये देखें, देखें मैं इसकी स्लीप आप कैसे लगाऊंगी। इसको ये हम इसको सबसे पहले बिछा लेंगे। ये देखें स्लीप को, बहुत ही प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें, हमने रेडीमेड लेने के बाद इसको कैसे घर में सेट करना है, इसकी स्लीप कैसे लगानी है। ये देखिए ये स्लीप वाला कपड़ा है, हमने इसको ऐसे करके अच्छे से बिछा लेना है। ये देखें ऐसे करके हम इसको बिछा लेना है। फुल से इसको बिछा लेना है, तकरीबन हम इतना, हाँ इतना छोड़ देंगे ताकि जो है उसका हम कहते हैं ना स्लिप ऊपर ऊपर आए। ये देखें हमने सेम उसी तरह उसका हम कहते हैं ना कच्चा करना है। इसको बड़े सुई में धागा डाल के इसको कच्चा कर लेना है। ये देखें ऐसे करके कच्चा कर लेना है। कच्चा करने के बाद हमारे पास ये जो साइडों में कपड़ा बच गया, हम यहाँ पे थोड़ी सी कलियां डाल देंगे। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे इसकी कलियां डाल देंगे। सेम इसी तरह हम बैक साइड पे भी ऐसे ही करेंगे और बाजों पे हम इसकी लैस लगाएंगे और बैक पे भी इसकी लैस लगाएंगे। देखना बहुत ही यूनिक तरीके से। ये देखिए हमारे पास ये जो है गला जो है हमने हमारे पास है, ये रेडीमेड है, ये बिल्कुल बना हुआ है। हमने इसको कुछ भी नहीं करना, उधेड़ना नहीं है। यहाँ से हम हल्के हल्के सुई के टांके लगाते जाएंगे। सेम इसी तरह जैसे मैं उंगली लगा रही हूँ, ऐसे हम टांके लगाते जाएंगे। फिर मैं इतना बड़ा काट के इसको, इतना बड़ा मैं इसको तकरीबन 1 इंच बड़ा हम काट लेंगे। काटने के बाद हम उसी कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे। इससे एक तो हमारे गले की शेप खराब नहीं होगी और दूसरा बहुत आसानी से हमारा ये गला बन जाएगा। ठीक है, और आपने भी इस गले को कुछ नहीं करना। आपने बड़ा यहाँ से छोटे छोटे टांके लगाने शुरू कर देने और 1 इंच के फासले पे आपने इसको काट के अंदर वाली साइड पे इसकी तरपाई कर देनी है। देखना बहुत ही आसान तरीके से आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे और सिलाई करने में भी आपको बिल्कुल भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। प्लीज जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।